हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क में जब प्रॉब्लम आती है या बैड सेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम किस तरह से सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उनको रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को शायद आप सभी जानते होंगे, हेरेंस बूटेबल सीडी। तो चलिए चलते हैं, मैंने सीडी इंसर्ट कर दिया और इसको ऑन करते हैं। सीडी बूट हो गई है दोस्तों। तो मैं इसको स्टार्ट सीडी अल्टरनेटिव बूट पैक करके इसको ऑन कर देते हैं। दोस्तों, ये इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं अनकाउंटेड, कि आप सर्च करते रहेंगे तो 20 इसकी वीडियोस बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हार्ड डिस्क को कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग टूल्स में जाते हैं सबसे पहले, और इसमें एक होता है टेस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको मैं क्लिक करके ओके कर दे। ये दोस्तों इसमें जैसे इस तरह से दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो स्कैन पे लगाएंगे सबसे पहले और एरो की से हम हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे सरफेस टेस्ट, इसको स्टार्ट कर देते हैं। और ये दिखा रहा है इसमें देखो कि स्टार्ट करने के लिए हमें एक बार स्पेस बार दबाना होगा और केवल शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से सारी हार्ड ड्राइव को टेस्ट करेगा। ये 160 GB हार्ड ड्राइव है और इसमें देखते हैं इसको कितना टाइम लगाता है, कितने बैड सेक्टर्स वगैरह कुछ हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर उनको किस तरह से हाइड करना है, वो सारा हम अभी देखेंगे इसमें वीडियो में। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ तब तक, और जैसे एक बार कंप्लीट होता है तो मैं इसको एक बार दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो प्लीज़ सपोर्ट जारी रखें अपना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे कुछ और भी वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में, तो अभी AI में और कुछ हैकिंग्स वगैरह में भी मैं भी वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करूंगा कुछ दिन में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, हार्ड डिस्क अभी 117-118 GB तक की स्कैन हो चुकी है और उसमें लास्ट में कुछ बैड सेक्टर्स निकले हैं। 4 बैड सेक्टर्स अभी ये शो कर रहा है। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं और फिर देखते हैं इसको हम कैसे इनको हाइड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं हार्ड डिस्क के इसमें से, किस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं, ये चेक करते हैं हम। तो ये इसमें एक जो हेरेंस बूटेबल सीडी जो होती है, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं और ब्रांड वाइज भी आप कंपनी के हार्ड डिस्क के आप अलग अलग चेक कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होगी WD की, होगी सैमसंग, होगी सीगेट हो गई। तो ये बहुत सारे तरह की हार्ड डिस्क के अलग अलग टूल्स भी दिए होते हैं जो कंपनी खुद ही बनाती है, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो थर्ड पार्टी कंपनी बना के देती है और फिर उसको आप उन हार्ड ड्राइव पे, सभी हार्ड ड्राइव पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क, ये जो हम ये भी स्कैन कर रहे हैं, जिससे ये हिरेंस बूटेबल सीडी का आती है, उसका एक टूल है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अब इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम बैड सेक्टर्स को हाइड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट होने वाला है बस, और फिर हम इसको देखते हैं इसके बैड सेक्टर्स हम किस तरह से हाइड या रिमूव कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो ये दोस्तों मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है ये सॉफ्टवेयर, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप डेफिनेटली इसको यूज़ करें, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे आप कैसे करेंगे।
ये देखिए इसमें दोस्तों ये कंप्लीट हो गया और सरफेस टेस्ट इसका कंप्लीट हो गया, तो हम इसमें चेक करेंगे व्यू डिफेक्ट लिस्ट। एरो कीज से ऊपर या नीचे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये इसमें देखिए एरर दिखा रहा भी शो कर रहा है। और इसको अगर हम जैसे रिपेयर करते हैं तो जैसे ये दिखा रहा है रिपेयर डिफेक्ट्स, तो हम इसको क्या करेंगे आर प्रेस करेंगे, तो रिपेयर के लिए पूछ रहा है कि रिपेयर किस तरह से करना है आपको, फास्ट करना है मीडियम स्लो, तो हम इसको मीडियम में कर क्लिक करके एंटर कर देते हैं, तो ये अभी इन बैड सेक्टर्स को रिपेयर करना शुरू कर देगा। प्रोसेस हो गया शुरू। ये देखिए दोस्तों इधर शो कर रहा है आपको, इस तरह से आप हार्ड ड्राइव को रिपेयर करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मेरी जो पहली वीडियो है उस पर भी आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर विंडोज़ में ही आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, बैड सेक्टर्स को रिमूव करके आप बैड सेक्टर्स को एक तरह से साइड करके उनको यूज़ कर सकते हैं हार्ड ड्राइव को। तो ये दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, और इसके बाद हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं, यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, हमने यूज़ किया था टेस्टिंग टूल्स में जाके, टेस्टिंग टूल्स में टेस्ट हार्ड ड्राइव, इस तरह से आप इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बल्कि इसमें विंडोज़ 10 के लिए रिकवरी सीडी भी आ गई है। विंडोज़ 10 का कोई आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो विंडोज़ की प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट में आप यूज़ करके उसमें आप उसका जाके पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।